सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ फाइट फॉर माय वे कोरियन ड्रामे का हिंदी रिव्यू। अब गाइस, ये कोरियन ड्रामा जल्दी हिंदी डब में देखने के लिए मिलने वाला है, और हो सकता है आप लोग अभी आए हो देखने के लिए, तो हो सकता है हिंदी डब में हो भी गया हो। तो गाइस, ये कोरियन ड्रामे के बारे में बता दूं, ये कोरियन ड्रामा कब आया था, क्या IMDb रेटिंग है, सब आपको शो हो रही होगी। तो गाइस, मैं बता दूं, मैं आपको इसका शॉर्ट से शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। लेकिन उससे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे के ड्रामास का रिव्यू कर चुका हूँ, और ऑन एयर कोरियन ड्रामे का रिव्यू करना ही मेरा रियल वर्क कह सकते हो आप इसको। कोरियन रिलेटेड, BTS रिलेटेड, K-pop रिलेटेड कंटेंट बनाता ही रहता हूँ मैं अपने इस चैनल पे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना जहां भी आपको दिख रहा होगा बेल आइकन। तो गाइस, हाँ, आप बात करते हैं इस रिव्यू से रिलेटेड। तो गाइस, इस रिव्यू, इस वीडियो, इस के ड्रामे के बारे में बता दूं आपको क्यों देखना चाहिए। नंबर वन, स्टोरी। जिस तरीके से इसकी स्टोरी लिखी गई है वो काबिली तारीफ है। मतलब कि चार दोस्त दिखाए गए हैं, चारों के अलग अलग ड्रीम्स हैं, चारों के अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, और चारों अलग अलग काम करते हैं। कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं पे फंसे हुए हैं। लेकिन एक चीज जो इन सबको सिमिलर करती है वो है इनका नेचर। मतलब चारों एक दूसरे के साथ, चारों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, चारों के चारों आपस में एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं। हमारा मेन लीड थोड़ा सख्त लौंडा है, और क्या कहते हैं, अपने गोल पे फोकस करता है, उसको किससे बदला लेना है। अब वो किससे बदला लेना है, क्यों लेना, वो आपको इस कोरियन ड्रामे में देखने के लिए मिलेगा। हमारी फीमेल लीड की लाइफ में थोड़ी लोची है, अब वो क्या है वो भी आप इसी कोरियन ड्रामे में देखना। एंड मैं बता दूं, इसमें जिस तरीके से कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। मतलब मैं चाहूं तो आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स दे सकता हूं, बट मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इसकी जो अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी है वही इसकी रियल पावर है। वो कैसे, मतलब कि आपको हर एक एक जगह पर, हर एक एक सीन में, पहली बात तो हंसी आने वाली है, दूसरा आपको ये देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि आगे ये होने वाला है, क्योंकि सिंपल स्टोरी चल रही होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देख करके हंसी आती है और वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। वेल, मुझे इसी तरीके की चीजें ज्यादा पसंद है जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। तो गाइस, ये कोरियन ड्रामा आपको इस वजह से देखना चाहिए। नंबर टू, चारों की जितनी एक्टिंग है, यकीन मानो एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। और गाइस, मैं इस कोरियन ड्रामे के लिए क्यों एक्साइटेड था। नंबर वन, जो इसमें पार्क सियो जून है, जिन्होंने मेन लीड का रोल निभाया हुआ है, ये अब हमारे मार्वल्स में आने वाले हैं। नंबर टू, इनका जो इटेवन क्लास ड्रामा है वो मास्टरपीस कोरियन ड्रामा को मैंने पूरा देख लिया है, और इतना माइंड ब्लोइंग है कि मैंने अपनी एक नहीं हजारों वीडियो में उसको रिकमेंड किया हुआ है कि यूथ हो तो उसे जरूर देखना। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसने अभी तक इटेवन क्लास नहीं देखा तो जाकर के देखो, जानना है वो कैसा कोरियन ड्रामा है तो डिस्क्रिप्शन में के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट है, जाकर के देख लेना, उसका रिव्यू कर दिया है। मस्ट वॉच कैटेगरी का क्यों है, क्यों नहीं है, वो सब बता रखा है। इस कोरियन ड्रामा से रिलेटेड बता दूं, हमारा जो मेन लीड है उसका स्ट्रगल लाइफ दिखाई जाएगी, जिस तरीके से उसकी फीमेल लीड से शादी होती है वो दिखाया जाएगा, और भी इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी, दोनों का लव रोमांस दिखाया जाएगा, बीच की नोकझोंक कॉमेडी एंड अनइंटेंशनली कॉमेडी भी दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की हो जाती है। बीच बीच में कोरियन ड्रामा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो भी स्टोरी को और कैरेक्टर को डेवलप करने के चक्कर में, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी पेसिंग बढ़ती है, आगे स्टोरी बढ़ती है, वो वापस अपनी स्पीड पकड़ लेता है। ये कोरियन ड्रामा एक मस्ट वॉच है। मैं अगेन कहूंगा, मुझे लगता है कि ये जो एक्टर है ये यूथ के लिए ज्यादा चीजें बनाते हैं। आप अगर यूथ हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, जिस तरीके से लव रोमांस को बैठाया गया है। और जो साइड एक्ट्रेस है, साइड एक्ट्रेस के बारे में मैं कैसे भूल गया बताना, उनकी जो कॉमेडी है, कॉमिक टाइमिंग है, जिस तरीके से उनके रिलेशनशिप है, मतलब कि मुझे याद है कि उसमें एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसका बार बार अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, और फिर जब उसका ब्रेकअप हो जाता है दूसरे से तो फिर वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। तो ये जो था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसमें बार बार जब वो यही चीज रिपीट हो रही थी, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये सीरीज बोर कर रही है। तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, मेरी सबसे मस्ट वॉच कैटेगरी की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने कम से कम स्पॉयलर्स दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा बता दिया है। बाकी आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही बहुत सारे रिव्यू करता रहता हूँ, क्रिएटिव काम करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना। आपके क्या विचार है इस कोरियन ड्रामा से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।